जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ढंडवारा कला गांव में तेंदुआ निकलने की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने उसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल होने लगा। इसके बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर गांव पहुंचे और वहां पर जांच की तो पता चला कि यह तेंदुआ नहीं फिशिंग कैट है, जो मुख्य रूप से नदी और नहरों के किनारे पाए जाते हैं। इससे ग्रामीणों को कोई खतरा नहीं है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ढंडवारा कला गांव में उस समय हड़कंप मच गया था कि जब गांव के लोगों ने एक जंगली जानवर को देख तेंदुआ होने का दावा करने लगे। गांव के लोगों ने उक्त जानवर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। तेंदुआ दिखाई देने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने अपने बच्चों को भय के कारण घरों में कैद कर लिया। वहीं लोगों ने सूचना पुलिस व वन विभाग की टीम को दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उक्त जानवर को देख फिशिंग कैट बताया। उनका कहना है कि यह जानवर नदी और नहरों के किनारे पाए जाते हैं, इससे ग्रामीणों को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल वन विभाग की टीम गांव के झाड़ी में छुपे फिशिंग कैट को पिंजरे में कैद करने के लिए प्रयास में अपनी टीम के साथ जुटी हुई है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नादर रिटर्न न्यूज पर। सर, एक सागर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि तेंदुआ का काफी। हाँ, ये वीडियो कल रात में मेरे पास भी आया था। ये शाहगंज के डंडवारा कला ग्राम में एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो स्पष्ट रूप से फिशिंग कैट है, जो कि तालाब नहर इसके किनारे रहना पसंद करते हैं, पेड़ पर भी रहते हैं। इससे जनमानस को कोई हानि नहीं। क्या आपकी टीम वहाँ पर? हाँ, आज हमारी टीम वहाँ पर गई थी। उन्होंने कॉम्बिंग किया, ग्रामीणों को समझाया और सतर्क रहने की सलाह दी। क्या और लगातार इसकी कॉम्बिंग अभी कराई जाएगी जब तक वो दिखेगा। क्या ये हमला भी करते हैं? नहीं नहीं, ये आदमियों के ऊपर या बच्चों के ऊपर कोई हमला नहीं करते हैं। ये शाही नेचर के जानवर होते हैं, ये सिर्फ मछलियों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्या इनकी पकड़ा भी जाएगा अगर ये? हाँ, अगर ये किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने का मामला आएगा प्रकाश में, तो फिर इनको पकड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। क्या आपकी टीम की तरह अभी तलाश की जा रही है कि? हाँ, कॉम्बिंग की जा रही है। आप सभी जनपदवासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। निवेदक अनिल कुमार मोदनवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता व अध्यक्ष मोदनवाल समाज शाहगंज जौनपुर। भुवनेश्वर मोदनवाल, उपाध्यक्ष श्री रामलीला समिति व निवर्तमान सभासद नगर पालिका परिषद शाहगंज जौनपुर। धन्यवाद। आप सभी जनपदवासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। निवेदक डॉक्टर आर के वर्मा, सत्यप्रेम बीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खोटहन रोड, शाहगंज जौनपुर। धन्यवाद। आप सभी जनपदवासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। निवेदक सुनील अग्रहरी टप्पू, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शाहगंज जौनपुर। धन्यवाद। आप सभी जनपदवासियों को शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से 15 अगस्त व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। निवेदक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी। आप सभी जनपदवासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। निवेदक संदीप जायसवाल, श्री रामलीला समिति अध्यक्ष शाहगंज जौनपुर। धन्यवाद।